बिहार बोर्ड ने 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस साल 10वीं की परीक्षाओं में हिमांशु राज ने टॉप किया है। हिमांशु राज ने परीक्षा में 500 में से कुल 481 नंबर प्राप्त किए हैं। उन्होंने 96.20% अंकों के साथ मैट्रिक की परीक्षा टॉप की है। हिमांशु की कामयाबी से रोहतास के दिनारा में उत्सव का माहौल है। मैट्रिक बिहार में टॉपर हैं। पढ़ाई की तैयारी कैसे की? पढ़ाई की तैयारी हमारी अच्छी थी। हम फिलहाल में डेली 15-14 आवर्स पढ़ाई किया कर रहे थे और इसके लिए हमारे माता पिता, आस पड़ोस और मेरे भाई बहन सारे मोटिवेट किया करते थे कि हम अच्छे से पढ़ाई करें और हमारे मन लगन रहे इसमें। अच्छा बाबू, आगे क्या करना चाहते हैं, क्या सपना है? आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। पिताजी आपके क्या करते हैं बाबू? पिताजी हमारे किसान हैं और 7, 8, 9 का ट्यूशन पढ़ाया करते हैं। अच्छा, प्राइवेट टीचर हैं। किस स्कूल से पढ़ते बाबू? हम जानता है स्कूल तेनवर से। नटवार गांव के सुभाष सिंह छोटे किसान हैं और बच्चों को ट्यूशन भी देते हैं जिससे परिवार का खर्चा चलता है। बेटा और बेटी की पढ़ाई को लेकर हमेशा से गंभीर रहे हैं जिसका नतीजा आज सबके सामने में है। बेटे की कामयाबी से सुभाष के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है जिसकी वो कल्पना नहीं कर रहे थे। हिमांशु आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। हिमांशु की बड़ी बहन भी अपने ब्लॉक की टॉपर रही है जो अब साइंस से इंटर की पढ़ाई कर रही है। इसके पहले एक दिन पहले इनका पैर इंजर्ड हो गया था, मैं बहुत दुखी था। 4 टंका इसको पड़ा है। अभी कल ही की बात है, मैं बिल्कुल मैंने दुख से ग्रसित था। इसके बाद आज मैं सोया था, दोपहर में रेस्ट कर रहा था तो एक बिहार झारखंड मीडिया वाला का फ़ोन आया कि हिमांशु से बात करनी, आपका बेटा टॉपर है। कल का दुख कहाँ चला गया मुझे पता नहीं, बड़ी खुशी। इसकी तैयारी की व्यवस्था आपने कैसे की? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसी भी बच्चे की तैयारी के लिए उनके पेरेंट्स की जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसी तरीके से मैंने एक मेरी बेटी भी है जो पिछले साल 88% यानी प्रखंड में नंबर 1 पर थी, ISC कर रही विक्रम से, तो उसी आधार पर मैं भी बेटी और बेटे के दोनों को अटेंड कर रहा था, प्रेरित कर रहा था। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि 90+ करेगा। क्या उम्मीद थी आपको कि आपका बेटा बिहार में टॉप कर जाएगा, क्योंकि टॉप होना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है? ऐसी तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन टॉपर 10 में उम्मीद था कि जगह कोई मैंने बना पाए। पहले तो आज हमें इतनी खुशी मिली है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी कि मेरे कार्यकाल में रोहतास जिला में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मेरे पंचायत का लड़का टॉप किया है। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और बधाई दे रहा हूँ, और ख़ास करके बच्चे के साथ साथ इनके माता पिता जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है और इतनी अपनी दृढ़ता और लगन के साथ शिक्षा जो दिए हैं और पंचायत का नाम जो रोशन किए हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं हमेशा इन लोगों के सहयोग में खड़ा रहूंगा और चाहूंगा और प्रयास भी करूंगा कि सरकार से जो भी उचित आगे की शिक्षा के लिए हो सकती है वो अपने सरकार से कह करके, हम लोग जनप्रतिनिधि के नाते कह करके इनको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा।